टैंजिन होम स्टे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रेवल गुरु। आप लोगों का स्वागत है स्पीति वैली सीरीज़ में। हम लोग पहुँचे हैं धनकर विलेज। ये लगभग सी लेवल से 3,800 मीटर की ऊंचाई पे है। बहुत ही सुंदर सा गांव है, आइए एक्सप्लोर करते हैं। सो फ्रेंड्स, एज वी नो दैट कि एवरीथिंग हैज़ अ प्रोज एंड कॉन्स, तो इस होम स्टे का एक ही कॉन्स मुझे लगा, वो है कि यहाँ के कार पार्किंग अवेलेबल नहीं है। आपको कार पार्किंग के लिए लगभग 50 मीटर की दूरी पे कार पार्क करनी पड़ेगी। एंटर करते ही फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद राइट साइड में एक रूम अवेलेबल है और थोड़ा सा आगे जाने पे लेफ्ट साइड में एक रूम था। ये सबसे बड़ा रूम है यहाँ का जिसमें मैं ठहरा था। इस रूम के एग्जैक्टली सामने देखिए खूबसूरत सा ओपन एरिया है और यहाँ से धनकर विलेज का व्यू जो दिखता है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस वीडियो को, इस व्लॉग को यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए स्टॉप कीजिए और देखिए, बस देखते रह जाओगे। बहुत ही सुंदर और शानदार है धनकर विलेज। लगभग 3,800 मीटर ऊंचाई पे है सी लेवल से, और इस हाइट पे होने की वजह से यहाँ पे ठंडी अच्छी खासी रहती है। ठंडी के टाइम पे तो टेम्परेचर माइनस में रहता है। मैं यहाँ पे जून की मंथ में यहाँ पे ठहरा था, तब भी नाइट का टेम्परेचर लगभग -1 -2 था। एग्जैक्टली दिस इज़ द रूम वेयर आई एम गोइंग टू स्टे फॉर 2 days। इज़ द कोजी एंड स्पेसियस रूम ऑफ दैट होम स्टे। बहुत ही सुंदर है, आप देखिए कितना स्पेसियस है। और इसका रूप वुडन से बना हुआ है जिसकी वजह से ठंडी बहुत कम लगती है, पर रूम में बहुत स्पेसियस और स्पेस दे रखा है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ की अच्छी लगी इस रूम की मुझे, क्लीननेस। बहुत ही क्लीन और साफ सुथरा है ये रूम। वन मोर कॉन्स ऑफ दैट होम स्टे इज यहाँ पे अटैच बाथरूम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे में यही प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे अटैच बाथरूम बहुत ही कम होम स्टे में है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी में टेम्परेचर -20 -25 तक पहुँच जाता है, इसलिए अटैच बाथरूम रखना लगभग नामुमकिन है। तो ये रहा इनका किचन। मैक्सिमम टाइम अगर आप होम स्टे में रहते हो तो मैक्सिमम टाइम आप इसी किचन में रहोगे, क्योंकि ठंडी का टाइम पे यहाँ पे गरम गरम हवाएं, गरम गरम वेदर रहता है। क्योंकि ये जो चिमनी है जिसको खाना बनाने का एक चीज़ बोले जा सकती है, ये इनके होम स्टे के किचन में रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ का वेदर बहुत शानदार था। ये थे हमारे होस्ट, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सर्विस इन्होंने हमें प्रोवाइड की। आई एम रियली ग्लैड कि मैं इस होम स्टे में रह पाया। जून ईयर 2024 में मैं यहाँ पे होम स्टे में रहा था। जब मैं यहाँ पे धनकर विलेज में पहुँचा था उस टाइम ये पीक सीज़न चल रहा था धनकर विलेज का या स्पीति वैली का, और मैं लगभग 1 घंटे होम स्टे ढूँढ रहा था, तब जाके बड़ी मुश्किल से मुझे ये होम स्टे मिला। ये थोड़ा सा मॉनेस्ट्री से ऊपर की साइड में है, उसका रास्ता बैक साइड से है। आप इनको कॉन्टैक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, और इनके घर के मेम्बर्स बहुत ही शानदार है, बहुत हेल्पफुल है। इन्होंने हम जहाँ जिस दिन ठहरे थे उस दिन मोमोज बनाए थे, नॉनवेज मोमोज थे। ये वेज भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, पर ये मोमोज बहुत ही शानदार बने थे यार, रियली मुझे तो बहुत पसंद आए। होम स्टे में रहने की एक खासियत है कि आप इनके घर के खाने के साथ साथ इनका कल्चर को एक्सप्लोर कर पाओगे। इनके घर में कोई गेस्ट आता है, जैसे उस दिन यहाँ पे उनके गेस्ट आए हुए थे, इनके साथ आप लोग खाना खा पाओगे, इनके साथ आप लोग बातें कर पाओगे, इनका कल्चर समझ पाओगे, इनका शेड्यूल लाइफ क्या होती है वो समझ पाओगे, ये किस तरह से जीते हैं, किस तरह से इनकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, किस तरह से लोग लाइफ को एंजॉय करते हो, ये सारी चीज़ें आप आराम से इनके साथ बात करके समझ सकते हो। यही वो धनकर मॉनेस्ट्री है जो धनकर विलेज की खासियत है। कहा जाता था कि 17th century में धनकर विलेज एक स्पीति वैली की कैपिटल हुआ करती थी। यही है दलाई लामा की फेवरेट कोट, जिसके बारे में मैं लास्ट व्लॉग में आपको सेपरेट बता चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ, आप उस व्लॉग को चेकआउट करना मत भूलिए। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जोधपुर से स्पीति एंड बैक की सीरीज़ चल रही है। आप इस पूरी सीरीज़ के ब्लॉग को चेकआउट करना मत भूलिए। मैं स्विफ्ट कार से फैमिली के साथ इस पूरी सीरीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ। और आप कभी स्टे करना चाहे तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम छेरी पटेल है और तंजन होम स्टे, मेरा फ़ोन नंबर है 8219211552। कभी भी 12 महीने। थैंक यू Guys, if you are looking for a best offer of this homestay, please follow me on Instagram and FB and please DM on that.